नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। यूएई में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग में बिहार के स्टार क्रिकेटर ईशान किशन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आईपीएल के 14 मैचों में 57.33 की औसत से 516 रन बनाने वाले ईशान किशन की नजर भारत में अगले साल होने वाली T20 विश्व कप पर टिकी हुई है। ईशान किशन ने आईपीएल में सर्वाधिक 30 छक्के लगाए। अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और ईशान का चयन इस दौरे पर जाने वाली टीम में नहीं हुआ है। हालांकि ईशान किशन इससे बिल्कुल भी निराश नहीं है। वो आगामी घरेलू सीरीज और अगले आईपीएल के रास्ते भारतीय टीम में जगह बनाना चाहते हैं। इस संबंध में पत्रकारों ने ईशान से सवाल पूछे कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए, आपके हिसाब से चूक कहां हुई? इस सवाल का जवाब देते हुए ईशान किशन ने कहा कि मुंबई इंडियंस के लिए मैं विकेट कीपिंग करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हालांकि मेडिकल कारण की वजह से डिकॉक्स सिर्फ विकेट कीपिंग ही कर सकते थे, यही कारण था कि मुझे यह मौका नहीं मिला, लेकिन इससे मैं निराश नहीं हूं। आगामी रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली T20 और IPL में बल्ले और विकेट कीपिंग से चयनकर्ताओं को प्रभावित करूंगा। उसके बाद अगले साल भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता हूं। आपको बता दें कि ईशान किशन इन दिनों पटना आए हुए हैं। भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे है और इसे वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। शुरुआती दोनों मैचों में भारतीय टीम हार गई थी। इस संबंध में जब एक पत्रकार ने ईशान से सवाल किया तो ईशान ने जवाब देते हुए कहा कि 2 महीने तक आईपीएल खेलने के बाद यूएई से ही ऑस्ट्रेलिया गई भारतीय टीम को आराम करने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय खिलाड़ियों पर थकान हावी है और इसका असर उनके खेल पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता। आईपीएल खेल कर गए स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एरन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल खूब रन बना रहे हैं। T20 और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पत्रकार ने जब उनसे यह सवाल किया कि आपके लिए घरेलू सीरीज काफी महत्वपूर्ण है, आप पर चयनकर्ताओं की नजर होगी, इसके लिए तैयारी कब से शुरू करेंगे? इस पर ईशान किशन ने कहा कि COVID-19 के कारण इस सत्र में रणजी और मुश्ताक अली T20 के मुकाबले होने की उम्मीद है। बगैर दबाव में बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगा। बहरहाल यूएई से आने के बाद पटना में आराम कर रहा हूं और कैंप की तिथि घोषित हो जाने के बाद अपनी टीम झारखंड से जुड़ने के लिए रांची रवाना हो जाऊंगा। इसके बाद पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि अगले साल आईपीएल के लिए मेगा नीलामी होगी, आप क्या सोचते हैं? इस पर ईशान किशन ने कहा कि मेरे लिए घरेलू सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर मुंबई टीम में रिटेन नहीं हुआ तो इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। हालांकि यूएई के बाद उम्मीद करता हूं कि मुंबई टीम से जुड़ा रहूंगा। बिहार टीम में आपसी खींचतान जारी रहने से क्रिकेटरों पर कितना असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में ईशान ने कहा कि इसका खराब असर पड़ेगा। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि मैदान के बाहर क्या हो रहा है इस पर ध्यान न देकर खूब मेहनत करें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, सफलता जरूर मिलेगी। बताते चले कि ईशान किशन बिहार के ही रहने वाले हैं और झारखंड के लिए खेलते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ईशान के आदर्श खिलाड़ी हैं। अपनी मेहनत के दम पर ईशान ने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट की दुनिया में बेहतरीन नाम कमा लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।